आपका भैया जरूर एक नए ब्लॉग के साथ आज का ब्लॉग हमारा है डोमिनोज पिज्जा पे। मैंने कहा यार डोमिनोज का पिज्जा खाते हैं साथ में बनाते हैं ब्लॉग, क्योंकि इन्होंने भी थोड़ी जी मशहूरी देनी चाहिए यार, बाबा देर दे भी ठंडे गए। मैंने सोचा कि भाईजान ब्रांड तो इतना बड़ा है तो अंदर रश भी राजी होगा, लेकिन अंदर तो भाईजान फुल ही सन्नाटा माहौल सिर्फ अभी दो थे यार, कोई एक और दो बंदे तो आगे। हमने भाईजान ऑर्डर दिया, ऑर्डर सेलेक्ट करने में काफी ज्यादा टाइम लगा क्योंकि हमने उनके स्टाफ से पूछा कि भैया आपका सबसे अच्छा कौन सा पिज्जा, लेकिन खास बात तो ये थी कि उनके स्टाफ को नहीं पता भैया हमारा सबसे अच्छा पिज्जा कौन सा है। भूख लगी हो ना तो उसके बाद अगर आप ऑर्डर देकर बैठो और थोड़ा सा भी टाइम ज्यादा लग जाए तो बंदे की तबीयत इस तरह की हो जाती है कि बंदा अगले बंदे को वड़ खा। लेकिन यार पिज्जा आखिरकार आ गया। इफ्साम भाई को मैंने कहा यार इफ्साम भाई पिज्जे का मुंह तो नहीं दिखाओ कि किस तरह है। इफ्साम भाई ने बड़े ही खूबसूरत अंदाज के साथ, जिस तरह दुल्हन के चेहरे से नकाब नहीं उठाते नई नगरी दुल्हन को, इस तरह इफ्साम भाई ने भाई पिज्जे का मुंह दिखाया मुझे। पिज्जा देखने में तो बेहतरीन था, बाकी अब खा के पता चलेगा। इफ्साम भाई से मैंने कहा भाई कैसा पिज्जा, इफ्साम भाई ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में कहा भाई बेहतरीन है। बाकी चीज एक तरफ यार इनका स्टाफ बहुत अच्छा था और पिज्जे का टेस्ट भी बड़ा बेहतरीन था। नाम तो फिर इसी तरह बनते हैं, अच्छा खिलाओ तो अच्छा नाम बना लो। नहीं जी शाह को दें इजाजत और हमें यार सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा अगर आप नहीं हमारे चैनल पर, और हमें सपोर्ट लाजमी कीजिएगा।